वेलकम बैक टू माय चैनल यमी मम्मी। आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने जा रही हूँ एक नवरात्रि स्पेशल रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी मखाने की खीर। उसके लिए लिया है मैंने ये आधा लीटर फुल क्रीम दूध, ये मैंने लिए हैं एक कटोरी मखाने, ये है मेरे ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम किशमिश, इलायची पाउडर, 3 बड़ी चम्मच चीनी और ये है केसर। मैं अपने मखानों को घी में रोस्ट करूंगी और उसके बाद इन्हें दरदरा पीस लूंगी। अगर आप चाहें तो इन्हें डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। तो अब मैं अपना दूध बॉईल करने रख देती हूँ। अपना दूध बॉईल करने रख दिया है और इधर मैंने अपनी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल लिया है। अब मैं इसमें अपने मखाने रोस्ट कर लूंगी। मखाने बहुत ही जल्दी जलने लग जाते हैं तो आप इन्हें कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा और जल्दी ही रोस्ट हो जाते हैं। अब मेरे दूध में बॉईल आ चुका है और ये थोड़ा गाढ़ा होना भी स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी अपने पिसे हुए मखाने। ये है मेरे मखाने, मैंने इन्हें दरदरा पीस लिया था मिक्सर ग्राइंडर में। अब मैं इसमें डाल दूंगी। और करीब 10 से 15 मिनट में ये मखाने सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें अपनी चीनी डालेंगे। अब मेरे मखाने काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और मेरी खीर भी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं इसमें अपने बचे हुए सारी चीज़ें डाल दूंगी। यह है मेरी चीनी, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, केसर वाला मिल्क। अब मुझे इसे 5 से 10 मिनट और पकाना है, फिर मेरी खीर बनके तैयार है। अब मेरी खीर तैयार हो चुकी है। यह भी थोड़ी पतली है क्योंकि ये ठंडी होके काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। मेरी नवरात्रि स्पेशल मखाने की खीर बनके तैयार है। ये बहुत ही ईजी एंड क्विक रेसिपी है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।